अक्षय कुमार ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अपने फैंस को नया तोहफा दे दिया है। उन्होंने अपने आने वाली फिल्म मिशन रानीगंज की झलक दिखा दी है। सोशल मीडिया पर मिशन रानीगंज का टीजर जारी कर दिया गया है। 59 सेकंड का ये टीजर कमाल का लग रहा है। मिशन रानीगंज की पहली झलक यूजर्स को बहुत पसंद आई। वे इस टीजर में दिखाए गए अक्षय कुमार के एक सीन पर फिदा हो गए हैं। इस सीन को देखने के बाद वे सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार इस बैक ट्वीट कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस एक सीन को लेकर फिल्म में टीजर के बारे में क्या बताया गया है। फिल्म के टीजर की शुरुआत तो होती है रानीगंज कोयला खदान से। टीजर में दिखाया जाता है कि नवंबर 1989 में रानीगंज कोयला खदान में तकरीबन 220 मजदूर फंस जाते हैं। ब्लास्ट की वजह से दीवार टूट जाती है और पानी भरने लगता है। मजदूर मदद के लिए आवाज लगाते हैं लेकिन कोई भी मदद नहीं करता। ऐसे में माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल यानी कि अक्षय कुमार हर एक मजदूर को सही सलामत बाहर निकालने का प्रण लेते हैं। टीजर में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें पीछे से आवाज आती है, जो बोले सोनी हान सत श्री अकाल, और फिर अक्षय कुमार की झलक दिखती है। ये सीन अकेला ही फिल्म को हिट कराने के लिए काफी है। यूजर्स इस सीन की तस्वीर शेयर कर अक्षय कुमार इस बैक ट्वीट कर रहे हैं। फिल्म के टीजर में अक्षय कुमार के साथ साथ रवि किशन, परिणीति चोपड़ा की भी झलक दिखाई गई है। ये फिल्म 6 अक्टूबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यानी इसका क्लेम भूमि पेंडिकर की थैंक यू फॉर कमिंग और सनी देओल के बेटे राजवीर की फिल्म दोनों से होगा। आपको बता दें कि लगातार अब इंडियन सिनेमा को ब्लॉकबस्टर पिक्चर्स मिल रही हैं। फिलहाल तो सिनेमा पर गदर 2 के बाद अब जवान का डंका बज रहा है। ट्रेंडिंग बॉलीवुड अपडेट से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।